क्या नीरज चोपड़ा शादी करने वाले हैं और क्या नीरज चोपड़ा की शादी मनु भाकर से होने वाली है? दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि एक वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लोग अलग अलग तरह के कयास लगाने स्टार्ट कर दिए लोगों ने। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दो वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो जो है, इनफैक्ट उसमें देखेंगे आप कि मनु भाकर की माँ सुमेधा और नीरज चोपड़ा आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरा एक और वीडियो आया जिसमें मनु भाकर और नीरज चोपड़ा बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। अब दोनों वीडियो को देखकर लोगों ने अलग अलग तरह के रिएक्शन देने स्टार्ट कर दिए। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि रिश्ता पक्का। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा से कुछ बातचीत करती हैं और वह इस दौरान नीरज का हाथ अपने सिर पर भी रखवाती हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को कुछ बातचीत करते हुए देखा गया था। मनु की मां के साथ नीरज चोपड़ा की बातचीत की वीडियो देखते ही फैंस ने अलग अलग तरह की रिएक्शन देने स्टार्ट कर दी। एक यूजर ने लिखा रिश्ता पक्का, तो दूसरे यूजर ने लिखा सीधा ही रिश्ता कर दिया क्या इसका। एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा दहेज कितना लोगे बेटा। तो इस तरह के अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की जो बातचीत है उसको लेकर लोगों ने यहाँ तक कयास लगा लिया कि क्या दोनों शादी करने वाले हैं। आपको बता दें कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में एक नहीं बल्कि दो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। मनु ने पहला मेडल 10 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता था और फिर उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज पर कब्जा किया था। इसी के साथ मनु भाकर भारत के लिए आजादी के बाद एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी। इतना ही नहीं, जो भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पहला मेडल मिला था वो मनु भाकर ने ही दिलाया था शूटिंग में। और अगर देखा जाए दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा, उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। सिल्वर मेडल में उन्होंने दूसरा जो थ्रो था वो सटीक निशाने पर लगा था और उसके बाद उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है दोनों के लिए, वैसे देखा जाए दोनों ये वो खिलाड़ी हैं जो एक ही स्टेट से आते हैं। दोनों हरियाणा से आते हैं, झज्जर से मनु भाकर आती हैं, तो पानीपत से नीरज चोपड़ा आते हैं। लेकिन इन दोनों की बातचीत जो हुई थी, इस बीच एक व्यक्ति ने दावा किया है कि मनु भाकर की माँ ने नीरज चोपड़ा से कसम खिलवाई है कि वो कभी टेंशन नहीं लेंगे, आराम करके फिर आगे की मेहनत जारी रखेंगे। इससे आगे उन्होंने कहा कि बेटा दिल में कभी जख्म मत रखना। सुमेधा ने उसके बाद नीरज से पूछा कि उन्हें उनकी बेटी कैसी लगती है। नीरज चोपड़ा जवाब में शर्माते हुए कहा कि उन्होंने कभी मनु को प्यार की नजरों से नहीं देखा। हालांकि इस तरीके के भी रिएक्शन सामने आए हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो को देखकर तो अलग अलग रिएक्शन इस वक्त हर लोग लगा रहे हैं, कयास भी लगा रहे हैं। लेकिन आपने क्या लगाया रिएक्शन, आपका क्या मानना है दोस्तों इस वीडियो को लेकर, आप जरूर बताएं। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 मेडल अगर देखें सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जीता है, मनु भाकर ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। तो ऐसे में 6 में से 3 तो इन दोनों के ही हैं। और जिस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ किया भारत ने, ऐसे में उम्मीद लगा सकती कि जो आने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट हैं तो वहाँ पर भी ये दोनों खिलाड़ी अच्छा करेंगे। और देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक 2024 में यहाँ पर मनु भाकर ने इतिहास रचा है और पहली महिला शूटर बनी है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल अपने नाम किए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।